नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 8th और 9th of Jan 2023 का करंट। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बिना देर किए हुए अपने करंट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला न्यूज है वो है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लेके। दोस्तों, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं यहाँ पे, वो बनाया गया है केविन मैकार्थी को। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं कि अमेरिका में क्या होता है, किस तरीके की संसदीय व्यवस्था होती है, क्या है। सबसे पहले तो बता दूं अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, वो भी कैसा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, और साथ ही साथ बता दूं अमेरिका में एक कांग्रेस होती है, अमेरिकी कांग्रेस, जैसे अपने यहाँ संसद होती है वैसे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक कांग्रेस होती है। ठीक है ना, और कांग्रेस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना, एज यूजल इन इंडिया, जैसे हमारे यहाँ क्या, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। सेम अमेरिका में भी वैसा ही होता है। अब यहाँ पे उच्च सदन में जो होता है वो होता है सीनेट, ओके, और यहाँ निम्न सदन में क्या होता है, वो होती है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये एक तरीके से इलेक्टेड पर्सन होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होते हैं और एक किसी स्थान विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये किसी स्थान विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये उसी स्थान से चुन के आते हैं। और ये सीनेट क्या होते हैं, ये होल सोल अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन अमेरिका में जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं केविन मैकार्थी। जैसे कि अपने लोकसभा में अभी कौन है अध्यक्ष, ओम बिरला जी। ठीक है ना, तो ओम बिरला के समकक्ष ही हैं ये। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला जो न्यूज है यहाँ पे वो है उड़ीसा स्टेट को लेके। यहाँ उड़ीसा में क्या है, एक नया अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है जिसका उद्घाटन हुआ है। और ये स्टेडियम जो है वो कहाँ बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया है राउरकेला में। ठीक है, कहाँ बनाया गया, राउरकेला में। ठीक है, अब बता दूँ दोस्तों कि ये जो हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, जो FIH इसका जो वर्ल्ड कप है वो इसी जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। और जनवरी में कहाँ स्टार्ट होगा, ये उड़ीसा में स्टार्ट होगा, इसीलिए इस स्टेडियम को स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप बता दें कि उड़ीसा में इस समय सीएम कौन है दोस्तों, सीएम ये कई बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अब देखिए उड़ीसा क्या हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो उड़ीसा के जो सीएम कौन है, तो पता होने चाहिए सीएम कौन है यहाँ पे, नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, नवीन पटनायक हैं। और जो गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट कौन है अभी यहाँ पे, गणेशी लाल जी हैं। कौन है दोस्तों, गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किसने अपनी किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रांतिकारी किताब जो लिखी गई है वो संजीव सान्याल जी के द्वारा लिखी गई है। और बता दें जो संजीव सान्याल जी हैं वो क्या हैं दोस्तों, ये जो संजीव सान्याल जी हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं। कौन, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से अभी जो हाल फिलहाल में बुक लिखी है वो है क्रांतिकारी। इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि इन्होंने, इनकी जो और जो अच्छी बुक्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में बता दें कि एक तो बुक है लाइफ ऑफ ओवर टू बियर्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक तो ये बुक हो गई इनकी। ठीक है, और दूसरी जो बुक है वो है एक लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लैंड ऑफ सेवन, जस्ट ए मिनट, सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है भारत का पुनर्जागरण, रेनी सेंस।
ठीक है। ये जो बुक्स हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और एक चौथी बुक है उसको भी आप एक बार याद रखिए, मे बी इट मे बी आस्क इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड दैट बुक इज़ द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन जियोग्राफी, इंडियाज जियोग्राफी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना जो अगला न्यूज है वो क्या है। यहाँ पे वो है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन को लेके। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे दोस्तों बता दूँ, ये लॉन्च किया गया BPCL के द्वारा। किसके द्वारा? BPCL के द्वारा। इसी के साथ साथ बता दूँ दोस्तों कि ये जो लो स्मोक ऑयल है, लो स्मोक केरोसिन ऑयल है, तो ये इसलिए बनाया है कि स्मोक जो है सेकेंडरी कॉज ऑफ पॉल्यूशन होता है। तो अगर हमारे सैनिक इस पॉल्यूटेड केरोसिन ऑयल को यूज करेंगे तो दे आर सफरिंग सम मोस्ट डेंजरस डिजीज, और वो क्या होगा, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए यहाँ पे लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को बनाया गया, और एंड देन BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। अब बता देते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, केरोसिन जो नॉर्मल केरोसिन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये C12H26 and C15H32। इट मींस जो केरोसिन ऑयल होता है वो कौन से ग्रुप का है, यहाँ पे दोस्तों एल्केन ग्रुप का। कौन से? एल्केन ग्रुप का। क्यों? एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 पुट किया तो क्या आ गया, C12 एंड 2n 12 × 2 = 24 + 2 = 26। तो ये C12H26 आ गया यहाँ पे। वही सेम यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 15 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, C15 एंड 15 × 2 = 30 + 2 = 32 हो गया, ठीक है। तो ये जनरल केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे दोस्तों। देखिए अभी लो स्मोक ऑयल का, केरोसिन ऑयल का अभी लॉन्च हुआ, तो हो सकता है साइंस के क्वेश्चन में इसको डाल के आपसे पूछ लें, लेकिन वो कहाँ से, करंट से ही रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन भी वहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है न्यूज। यहाँ पे अगला न्यूज है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला जी को लेके। देखते हैं क्या न्यूज है यहाँ पे। हाल ही में क्या हुआ कि 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ, 29 जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ हैं, उनका शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये जो मोबाइल इकाइयाँ हैं, साथ साथ कॉल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। तो ये किसने उद्घाटन किया दोस्तों, ये उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। और बता दूँ ये पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं वो हैं क्या, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं। कौन से सेंट्रल मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फिशीज, मिनिस्टर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज क्या है। यहाँ पे अगला न्यूज है, किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। तो दोस्तों देखो, सीमा पार के लोगों से जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जनरेट हो रहा है वो अमेरिका में है, इसीलिए अमेरिका बार बार कहीं ग्रीन वीज़ा, कहीं येलो वीज़ा, कहीं ग्रीन कार्ड, कहीं H1 वीज़ा इस तरीके से जारी करता रहता है। देखो अपने यहाँ जो भारतीय होते हैं, बहुत सारे इंडियन जो हैं, अपने यहाँ से जो इंडियन हैं बहुत सारे अमेरिका जाते हैं। कहिए तो अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री जो है वो भारतीयों के ही भरोसे है, भारतीय ही उसको चला रहे हैं। तो अमेरिका में जो भारतीय आईटी इंजीनियर जाते हैं तो उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। ये वीज़ा का क्या है कि 3 साल बाद, 3 ईयर के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और वहीं अगर ग्रीन कार्ड अगर किसी को मिल जाता है तो वो एक तरीके से सिटीजन बन जाता है USA का, ठीक है, समझ गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है यहाँ पे न्यूज। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा कोलकाता में। कहाँ होगा? कोलकाता में। याद रखिएगा
और बता दूं, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप है, ये एक तरीके से जो G20 जिसकी भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है, उस देश के भी जो बहुत सारे फिनांस से संबंधित जो लोग होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे भारत से भी इसमें SBI, UI, DAI, ठीक है ना, और नाबार्ड के साथ साथ और कई संस्था इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि ये जो वर्किंग ग्रुप है, इनकी बैठक में जो मेन मुद्दा है वो क्या है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा क्या है, देख लो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए ताकि जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो काफ़ी स्मूथ तरीके से लोगों को मिलें। कौन सी सर्विसेज? डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इन चीज़ों को डेवलप करने और सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ G20 से संबंधित जो ग्रुप है, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप बोलते हैं, उसकी बैठक दोस्तों कोलकाता में जो है वो करवाई जा रही है। और साथ ही बता दूं दोस्तों, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म बन जाता है, कौन सा? फिनेंशियल इंक्लूजन। होता क्या है ये फिनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों? क्या होता है ये? होता है वित्तीय समावेशन। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे वित्तीय समावेशन। तो कैसा समावेशन? वित्तीय समावेशन का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब हो गया कि भारत में, यानी कि इंडिया में जितनी भी पब्लिक है उन सब का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अर्थात वो किसी संगठित संगठित मुद्रा मुद्रा यानी कि संगठित मार्केट से, मुद्रा मार्केट से जुड़े, ठीक है ना। यही इनका एक मेन मोटो होता है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा क्यों चाहती है सरकार कि प्रत्येक व्यक्ति संगठित मुद्रा मार्केट यानी किसी बैंक में उनका अकाउंट खोले? वो इसलिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी सेविंग्स यहाँ पे अकाउंट में जब जमा करेगा, तो देखिए, एक नॉर्मल आदमी जो सेविंग्स करने वाला होगा तो वो तो एक लंबे टाइम के लिए क्या करता है, अपने पैसे को जमा रखता है। तो उसी पैसे से क्या करती है सरकार? इसी को मोबिलाइज करती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि GDP भी बढ़ती है। और GDP कैसे बढ़ती है वो हम अब बहुत जल्द कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो इकोनॉमी के होते हैं उन पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम GDP हो गया, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बोटल नेक्स क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे विस्तृत होकर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल पार्टनर बनाया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने, वो बनाया है JSW को, ठीक है। और देख लेते हैं अगला यहाँ पे बर्निंग इशू क्या है, ये है IIT धनबाद को लेके। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है IIT धनबाद, और ये हमने अपने पिछले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला न्यूज क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो दोस्तों ये प्रमाण पत्र मिला है हमारे बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को। देखिए, ईट राइट स्टेशन, ये जो प्रमाणन है ये कौन करता है? FSSAI, ठीक है। तो ये प्रमाणन क्या सिद्ध करता है? ये प्रमाण पत्र जो मिलता है इससे ये पता चलता है कि वो उक्त स्टेशन पर जो फूड मिलता है, फूड की क्वालिटी कैसी है दोस्तों। यहाँ पे अगर FSSAI किसी फूड को परमिट कर देता है, दैट मीन्स दैट फूड इज़ सेफ, ठीक है ना, एंड मेंटेन हाइजीन, ठीक है। तो यहाँ पे यही FSSAI ने क्या किया है, प्रमाणित कर दिया है कि बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे जो भी पैसेंजर्स को फूड मिलता है वो शुद्ध है, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखें हम यहाँ पे FSSAI के बारे में, FSSAI, तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें इसके बारे में तो बताइए दोस्तों कि ये जो इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका दोस्तों होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। कौन सा? फूड सेफ्टी, जस्ट ए मिनट, फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि इसका जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन कब पड़ा, ये पड़ा है यहाँ पे 5th of September 2008, और किसके तहत पड़ा था दोस्तों, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से इसका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जाता है। देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों, कौन से राइट, फंडामेंटल राइट्स, तो ये मिलते हैं, इनकी प्रकृति निगेटिव होती है, कैसी, नकारात्मक। क्यों नकारात्मक होती है, क्योंकि ये बताते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता, राज्य क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये नहीं शब्द आ गया इसको लेके इसकी प्रकृति क्या बता दी गई, ये नकारात्मक है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ बताया है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो 21 है, ये दोनों आर्टिकल जो हैं वो राज्य के खिलाफ ही नहीं, राज्य के खिलाफ तो हैं आप जा सकते हैं, उसी के साथ साथ किसी भी अन्य व्यक्ति, किसी भी अन्य व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो आर्टिकल 19 और 21 उस व्यक्ति पे भी फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो है अगला कि किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो जाति सर्वेक्षण करने वाला जो राज्य है वो है बिहार यहाँ पे, ठीक है। और बता दें कि बिहार में जातिगत आरक्षण शुरू हुआ है, जातिगत आरक्षण तो वो सॉरी जातिगत सर्वेक्षण तो शुरू हुआ है, यहाँ सब कास्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं, सिर्फ कास्ट को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले सेशन में या मतलब अभी जो प्राथमिक जो हमारी पीडीएफ निकल गई है उसमें पहले या दूसरे प्रश्न पे इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे, इस न्यूज़ को भी हमने क्या है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों CSIR को लेके यहाँ पे, कि भारत में कितनी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं की उनकी विशेषताओं के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि यहाँ पे लगभग 37 जो प्रयोगशालाएँ हैं वो वैश्विक स्तर पर यहाँ पे खोली गई हैं CSIR के द्वारा, ठीक है। और ये जो 37 लैब्स हैं वो अपने कार्य के एक अलग विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित होंगे, ठीक है ना, समझ गए क्या, अपने कार्य यानी कि हर एक लैब का अलग कार्य होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है यहाँ पे, अगला है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो दोस्तों पहली महिला क्रिकेटर बनी है बिलिंडा क्लार्क, बिलिंडा क्लार्क को उनके सम्मान के लिए इस क्रिकेट ग्राउंड में मूर्ति प्राप्त करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। और ये पहला, जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कुछ चीज़ पहली बार हो, फर्स्ट टाइम, वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो दोस्तों इसको ट्रिपल स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि पूछा जाएगा 100%। चलिए देख लेते हैं अगला क्या यहाँ पे, अगला है बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहाँ बंधन महा ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, ये कोलकाता में है, पिछले सेशंस में कई बार इस पर डिस्कशन भी हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, बंधन बैंक वहाँ जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट, इस अभियान का जो मेन मोटो है वो है, यह एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने उस विश्वास पर जोर दिया है जो ब्रांड 7 वर्षों की अवधि में बैंक के रूप में अर्जित करने में ये बैंक जो है सक्षम रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे, अगला न्यूज़ है किस देश ने अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों को पहले टीके की मंजूरी दी है। तो ये है दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पे पहले टीका बना के उसकी मंजूरी भी दे दी है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा सकता है कि ये जो फूल ब्रूड रोग है, ये जो फूल ब्रूड रोग है किससे फैलता है, तो दोस्तों ये मधुमक्खियों से फैलता है, किससे, हनी बी से, ठीक है। चलिए देख दोस्तों देखते हैं अगला क्या है यहाँ पे, अगला है कि अम्बेडकर अलाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं, ठीक है ना, और ये कांग्रेस के सांसद हैं और इंग्लिश बुक के पेन की बहुत अच्छी पकड़ है। हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है स्क्रीनिंग तकनीकी से। किससे? स्क्रीनिंग तकनीकी से। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए।